हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है? उम्मीदा सारे बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों की सबकी डिमांड भी थी कि आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो इस बार मैंने हिंदी में ट्राई किया है वीडियो बनाने का। वैसे हिंदी मुझे ज़्यादा आती नहीं है, फिर भी अगर कुछ वर्ड ऊपर नीचे हो जाए तो माइंड मत करना। तो सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डब वैली, तो क्योंकि सर से आपको मिलाता हूँ। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सर, अपने बारे में आप ही बता दो। हाँ जी सर जी, मैं कुलविंदर सिंह मंडी डब्बू वाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा रैना से बोल रहा हूँ। आपको पता ही है कि जो गाड़ी बनती है मेन मंडी डब्बू वाली में बनती है। तो आज हम ओरिजिनल बिलिस का आपको वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो की गाड़ी की ओरिजिनल जो बिलिस के अंदर हमने रेडी की है, अलग अलग मॉडल बनाए हैं, तो उसके बारे हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो और मेन बात मैं सर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल विल्ली भी है इस वक्त, जो कि आप लोगों ने औजले के गाने में देखी होगी। तो डबल टायर वाली विल्ली है जो कि स्पेशल ये बनाते हैं, इन्होंने काफ़ी ऑर्डर इस पर दिए हैं। तो हम लोग आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो आपको पहले गाड़ी दिखाते हैं ओरिजिनल विलीज, क्योंकि डब वैली विलीज के लिए फेमस है। तो सर के जो अगर आपने सर से कॉन्टैक्ट करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप वीडियो के लास्ट तक सारी वीडियो देखो, वहाँ पर प्रॉपर सर के कॉन्टैक्ट नंबर्स बुकिंग के सब कुछ बताया होगा, तो आप वहाँ से इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और दोस्तों, अगर आपके पास है कार और आप कमाना चाहते हैं 50,000 तक प्रति माह, तो अभी डाउनलोड करें ZOZO कार एप्लीकेशन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक विली है ओरिजिनल वाली, तो इसका मेन जो ये विली है सर, इसको तो डबल टायर आपने पीछे कर दिए, ये कैसे कर दिए? हाँ जी, ये टायर है ना जो गाड़ी के अंदर आया था कार नोएले के अंदर, तो उसी वीडियो को देख के ये गाड़ी के अंदर डबल टायर किया हमने। तो ये अच्छे से वर्क कर रही है, इसका प्रॉब्लम तो नहीं आती है? बहुत बड़ी है, डिमांड में भी तो काफी है। वैसे फर्स्ट गाड़ी है हमारा, तो पहले काफी गाड़ी थी, लेकिन ये डबल टायर वाली हमारी फर्स्ट गाड़ी है। ठीक है, तो सर ये प्रॉपर इसके बारे में डिटेल दे दो कि ये क्या है गाड़ी, इसको क्या बोलते हैं, कैसे है? इसको जी ओरिजिनल बिलिस के अंदर जो हमने पहले गाड़ी आती थी उसी ही टाइप हमने इसको लुक दी है सेम, तो वही ओरिजिनल जो जैसे जो इसका ओरिजिनल ट्रेडिशनल बिलीज के अंदर जो बम्पर आता था उसी टाइप हमने बम्पर की फिटिंग की है, और जो ग्रिल आती थी उसी टाइप के अंदर हमने इसके अंदर गाड़ी के अंदर ग्रिल की फिटिंग की है। और इस गाड़ी के अंदर टोयोटा 3C टर्बो का इंजन हमने रखा है, आपको दिखाते हैं सर इंजन, दिखाते हैं आप लोगों को सबको। ये टोयोटा का 3C है सर? हाँ जी, ये टोयोटा 3C टर्बो का इंजन है। ओके, इसमें इन लोगों ने एमरॉन की बैटरी भी डाली है नई बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं इंजन भी बिल्कुल सर, ये बिल्कुल नया इंजन होता है या कैसे होता है? चले इंजन होते हैं जी। ओके, लेकिन बार्क इंजन होते हैं जी, मेड इन जापान के बार्क इंजन होते हैं, वो 2500-3000 CC इंजन होते हैं जी। ओके सर, इसकी क्या एवरेज वगैरह भी क्या है? एवरेज 14-15 की मैनेज रहती है देती। तो सर इसकी आप इंजन की फुल गारंटी देते हो? फुल गारंटी होती है जी, शील्ड इंजन होता है, बढ़िया पूरा शील्ड होता है। ठीक है, इंजन चेक कर सकते हो। तो वैसे जो ये है इसकी सीटी जो बजती है वो बहुत अच्छी रहती है, तो हाँ, तो आप देख सकते हैं सर उन लोगों ने प्रॉपर इसको लाइट्स भी लगाई हैं, ये पार्किंग लाइट रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को अभी आगे दिखाते हैं गाड़ी सारी। तो सर इसका रंग जो है, कलर जो है, वो भी एक डिफरेंट है। हाँ। ये प्रॉपर विलीज को इसका जो मैट कलर के साथ हमने इसको रेडी किया है, सेंट कलर हम बोलते हैं इसको, जो बोल्ट के कलर आता है। ठीक है, तो जो इसका ग्लास है आप देख रहे हो, डबल पार्शियल विंडशील्ड ग्लास है जो ओरिजिनल विलीज के अंदर आता था, जिसको आपने डबल किया हुआ है। हाँ जी, आप इसको मान लो बोनट के ऊपर रख के भी चला सकते हो गाड़ी, इसको खोल भी सकते हैं, आप ऐसे खोल सकते हैं इसको, तो ये पूरी की पूरी ओपन हो जाती है, पूरी ओपन हो जाती है। ठीक है, तो आगे आप देख सकते हैं। हाँ, सीट है वो जो ओरिजिनल बिलीज के अंदर आती थी उसी सीट की हमने फिटिंग की है, तो प्रॉपर हाँ ओरिजिनल सीट्स हैं सारी, ऐसे ही आती थी उसमें। तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग भी सर ने प्रॉपर, हाँ जी जी, जो ओरिजिनल आता था उसी तरह हमने बना के लगाया इसको। और ये साइड ग्लास हैं जो आप देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर ओरिजिनल है जो जैसे कि पहले आते थे। साइड पे जो ओरिजिनल ज्यादा से ज्यादा लुक जो हमने दिया ओरिजिनल सीट, तो आप मीटर्स देख सकते हैं, ये भी ओरिजिनल है सारे के सारे, उसके अंदर 5 kg ही हमने इसके अंदर फिटिंग, आप देख सकते हैं ये जो है स्विच है, हेडलाइट स्विच है, स्टार्टर स्विच आ गया, ये भी उन लोगों ने इसको वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। हाँ जी, तो मेन चीज़ है उसके डबल टायर लगे हैं सर, इस डबल टायर का सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती वैसे? नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती जी, लेकिन हमारा जो फर्स्ट गाड़ी है तो गाड़ी चलने में बढ़िया लगी मेरे को, ट्रायल है इसका, बहुत बढ़िया गाड़ी बनी है। ठीक है, हाँ जी। तो ये लोगों ने इसको साथ में टेलीफोन है सर, ये वैसे ही है शो के लिए, शो के लिए ये एंटीना लगा हुआ भी शो के लिए है, मल्टी की एक्सेसरी जरी के ना, और 5 टायर के साथ ये गाड़ी कंप्लीट। ओके, 5 टायर दिए इसको, साइड में टूल बॉक्स भी दिया है, आप कुछ रख सकते हैं इसमें,
तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी लुक है सर। ये क्या चीज है? वैसे ही कैन, वैसे ही मतलब कैन है जी, पहले रखते थे। हां यूज कर सकते हैं जी। हां जी ठीक है। तो ये थी इनकी गाड़ी जो कि काफी अच्छी लुक में है। ये फर्स्ट गाड़ी जो आप लोगों को दिखाई। सर सबसे पहले मेरे को ये बता दो जो ये गाड़ी है कहां ऑर्डर पे ले रहे हो? हां सभी गाड़ी ऑर्डर पे, जितना हमारे पास काम है सभी ऑर्डर पे ही रेडी होती है हमारे पास। ठीक है, अब ऑर्डर पे लेते हैं। हां जी, ये गाड़ी गुजरात जा रही है। ओके, तो ये जो गाड़ी है ये चलो वो तो हम लोग अभी दिखाते हैं। हां ये गाड़ी झारखंड जा रही है। ओके चलो। तो सर जो ये गाड़ी है ये टू व्हील है वैसे, है ना? हाँ जी टू व्हील, टू व्हील है, थ्री सी इंजन के साथ है, टोयोटा थ्री सी टर्बो। सर अगर किसी को ये चाहिए तो उसको आपको कितना टाइम लगता है ये गाड़ी तैयार करने में? मान के चलो जी वन मंथ का टाइम लेते हैं हम, 40 डेज लग ही जाते हैं टाइम। हाँ जी जी रेडी करते। तो सर अगर किसी को ये गाड़ी चाहिए तो उसको कितने में गाड़ी आप तैयार करके दे रहे हो? ये गाड़ी का अलग अलग वैसे रेट बन जाता है जी। अगर मान लो महिंद्रा के इंजन के साथ गाड़ी लेते हो तो 3.5 से वैसे हमारे पास स्टार्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर इसे 3C इंजन लगा है टोयोटा का, इसके डबल टायर है। 3C इंजन के साथ तो बजट मान के चलो कि 4.5 के ऊपर चला जाता है। ये 4.5 के आसपास आप दे सकते हो। ठीक, तो जैसे कि सर ने बताया कि जो 4.5 के आसपास ये गाड़ी तैयार हो जाती है और 40 दिन आप सर लेते हो। हाँ, 40 दिन। तो चलो इस गाड़ी का आपको क्लियर हो गया। तो आगे सर हम लोगों के पास ये नेक्स्ट विली है, तो इसका सर क्या डिफरेंस है? बस इसका कलर का ही है, कलर का फर्क है। इसके जो टायर है वो 4 की फिटिंग के नॉर्मल टायर है इसके। तो ये भी आप देख सकते हो ये भी प्रॉपर, इसका कलर ग्रीन है। उसका उस कलर को क्या बोलते हैं सर? उसको बोल्ट कलर बोलते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें कौन सा इंजन है? इसमें भी टोयोटा का इंजन है, टोयोटा 3C इंजन है। ठीक है, तो इसका कलर भी चेंज है थोड़ा थोड़ा सा इसमें, मतलब सर ने लुक सेम है सारी इसकी, सारी की सारी सेम है। इसका डिफरेंस क्या है कि इसको कपड़ा लगाया, कपड़ा तो इसको भी सर 4x4 है जी। ओके, ये 4 व्हील है। ठीक है, इसके साथ देख सकते हो आप सर ने 4 व्हील इसको लगाया हुआ है। 4 ये गियर आता है, टोयोटा 4Runner के गियर की फिटिंग की है इसके अंदर। ओके, ये देख सकते हो आप सारी अलग-अलग पॉइंट आ जाते हैं, 4x4 और हाई लो और 5+ बन गियर बॉक्स। ठीक है, तो इसको सर ने कपड़ा डाला है। वैसे तो इसको भी कपड़ा ऊपर छत हो जाती है, कवर हो जाती है, लेकिन इसको सर ने अभी ऐसे डाला क्योंकि आप लोगों को लुक पता चल जाती है कि कैसी रहती है। इसका जो रूफ है वैसे तो जो ओरिजिनल बिलिस के अंदर तो ऊपर बैक छत आती है। ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो अगर कोई मान लो बिल्कुल पूरी क्लोज कराना चाहता है तो हम पूरी क्लोज करके भी देते हैं। लेकिन सर ने इसमें ये छोड़ा हुआ काफी सुंदर लगता है, ये भी अच्छा लगता है। हाँ, काफी अच्छी रहती है, डाउन कर सकते हो। तो ये भी काफी अच्छी चीज है, कलर भी काफी डिफरेंस है। इसके आगे भी डोर लगेगी। ओके, यहाँ पे भी डोर है। ठीक है, वो बंद, पूरी बंद हो जाती है। हाँ, पूरी बंद हो जाएगी। तो ये पीछे से आप लोग देख सकते हैं इस गाड़ी की, मतलब सेम है वैसे, कलर का डिफरेंस है। टायर इसके साथ भी 5 हैं, तो ये इसके भी ओरिजिनल टायर हैं। तो इसका क्या डिफरेंस है कि सर इसमें फिर इसका मतलब डिफरेंस आ गया 4 व्हील का, 4x4 का, 4x4 का और टोयोटा 3C टर्बो का ही इंजन है इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो सर अगर किसी को ये गाड़ी चाहिए टोयोटा 3C के साथ 4 व्हील, तो आप कितने में देते हो? प्राइस तो जी मान के चलो भी 4.5 के ऊपर चला जाता है जी प्राइस रेंज। तो मान लो टोयोटा 2 व्हील के साथ, अगर 4x4 के साथ चला तो फिर 4.5-4.70-4.80 के इर्द-गिर्द चला जाता है। तो 4,70,000 के आसपास चल, 20,000 ये महंगी है उससे दूसरी गाड़ी। आइडिया रेट्स हैं क्योंकि थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो आप लोग सर को फोन करके ज्यादा अच्छे से कन्फर्म कर सकते हो ये चीज। तो सर इससे आगे फिर ये आ जाती है एक, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें जो लेफ्ट हैंड गाड़ी है। ओके, लेफ्ट हैंड मतलब ओरिजिनल, जो प्रॉपर ओरिजिनल वाली है। पर ये लीगल है यहाँ पे चलाना? हाँ जी, वैसे तो लीगली है क्योंकि जी छत्तीसगढ़ जा रहा है गाड़ी। ओके, छत्तीसगढ़ जा रहा है, किसी ने शौक के लिए रेडी करवाई। ओके, तो ये गाड़ी है। इसके में सर इसका हमें इंजन दिखा दो थोड़ा सा, इसमें कौन से लोगों को पता चल जाएगा। ओके, इसमें DI टर्बो है। हाँ जी, ये DI टर्बो का इंजन है। DI टर्बो का पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच जो हर गाड़ी के अंदर ही होते हैं, सारी गाड़ी में आते हैं। ठीक है, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, पावर क्लच हर गाड़ी। सर इसकी जो इसमें क्या डिफरेंस है उन लोगों, इसमें कलर थोड़ा सा डार्क है, इसमें थोड़ा सा ग्रीन, आप देख सकते हैं कलर डिफरेंस भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि वो गाड़ी बिल्कुल अलग कलर की है। थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, ये प्रॉपर ग्रीन है, ये फौजी मिलिट्री कलर बोलते हैं। तो आपने इसका अभी इंजन देखा और इसकी सर इन लोगों ने मेरे हिसाब से इसको ऐसे ही ऑर्डर किया है, इसमें लाइट्स वगैरह नहीं, बनानी थी कोई लाइट नहीं, कोई उन्होंने ये मांगी नहीं चीज। आप लोग ऐसे भी तैयार करवा सकते हैं, ये भी अच्छी लुक लग रही है। तो आप इसको साइड से भी देख सकते हैं कि सेम, बाकी जब सब चीजें सेम रहती हैं। तो इसमें अभी इन लोगों ने DA के साथ 4 व्हील की है, 4x4 है आप देख सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड है मेन चीज है, जो ये मतलब जैसे ओरिजिनल आती थी बाहर चलती थी वैसे ही है। तो इसके भी प्रॉपर आप गेयर्स देख सकते हैं, इसके भी आप प्रॉपर गेज देख सकते हैं। ये जो है मीन इसका 2x2 है और 4x4 है, ये लो हाई रहता है। तो इसकी भी कभी वीडियो दूंगा कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है। तो ये आप साइड देख सकते हैं सारी की सारी इसकी, और बाकी इसका जो डोर है पीछे का वो ओपन होता है। अच्छा, दूसरी तरफ हो गया। अच्छा, ओके, सारा डोर ओपन हो जाता है नीचे को। ये देख सकते हैं आप, नीचे कब्जे लगे हुए हैं और ऊपर से खुल जाता है। इसका कैन रखने का कैन भी थोड़ा सा छोटा है और अलग टाइप का है कि इसका जो उन्होंने खोलने का वो भी स्टैंड अलग है, ये आप देख सकते हैं।
ये देखो, और ये निकलना ठीक है, थोड़ा अलग स्टाइल का है, तो ये भी काफी अच्छी लुक है। ये पीछे से इन्होंने डाला भी, इसको ये पहली वाली को भी ऐसे ही आता होगा, आई थिंक सो। हाँ, पहली वाले ऐसे ही। तो इसका टायर भी साइड पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सीट्स इसकी सेम है जो कि पीछे से आती हैं, तो अंदर से भी आप देख सकते हैं सारी की सारी इसको। तो उसको सर ने नीचे रस्सा लपेटा हुआ है जो कि अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी। तो बाकी कलर भी आप देख रहे हो, जो मिलिट्री के एक्सेसरी है, पूरी मिलिट्री के एक्सेसरी, मिलिट्री की लगी हुई है, कैप लाइट हो गई, इंडिकेशन हो गई, ठीक है। और जो बिलिस का लोगो आता है एक्चुअल वाला, जो उसका यहाँ पे प्रिंट किया होता था, एक पंच किया होता बोलते हैं इसको, ये भी किया हुआ है। और ये प्रॉपर एक विल्ली जो ओरिजिनल आती है वही है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, टायर साइड पे लगा हुआ है, ये फोर व्हील की हुई है सर ने, जो सबसे बड़ी बात है। तो सर अगर किसी को ये वाली लेफ्ट हैंड साइड विल्ली चाहिए तो इसको कितना टाइम लगता है? टाइम तो मान के चलो जी 40 दिन में, क्योंकि डब वाली मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, फेमस रहा है विल्लियों में, क्योंकि यहाँ पे थार का काम बहुत कम होता है, सारा का सारा विल्ली का ही होता है, तो इसलिए विल्ली यहाँ पे किसी भी टाइप की आपको विल्ली मिल जाएगी। तो सर इसकी क्या प्राइस है, जो इस DI इंजन के साथ फोर व्हील के साथ, इसकी क्या प्राइस? फोर के साथ DI के साथ मान के चलो आप 4,20,000 के अंदर हम रेट, 4,20,000 के आसपास ये मिल जाती है, ठीक है। तो इसका रेट डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एक तो ये प्रॉपर पुराने वाली है और इसका फोर व्हील लगा हुआ है, ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। तो इससे सर आगे ये आ गई एक विली, हाँ जी, ये भी विली बोलते हैं इसको भी, हाँ जी, ये इसको वैसे ही नाम ही विली, कोई विली बोलता है, कोई जोंगा बोलता है, कुछ लग नाम है। इसको लोगों ने चौड़े टायर भी डाले होते हैं, हाँ जी, चौड़े टायरों का भी, वो भी हमारे पास मॉडल रेडी है, लेकिन आज हम ओरिजिनल विलीज का ही वीडियो आपके लिए लेके आए थे। आने वाले दिनों में हम आपके लिए मॉन्स्टर टायर के साथ हमारे पास गाड़ी होती है, उसका अलग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें मेरे को काफी डिफरेंस लग रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इसका जो ओरिजिनल का देखें तो इसका देखें तो बहुत फर्क आ जाता है जी इसके ओके okay, इसमें तो मेरे हिसाब से आपने सीट्स भी चेंज है, एसी लगा हुआ है, चलो आपको दिखाते हैं। तो इसके सर इसके टायर वगैरह भी सिंपल है ना, जो टायर है ना ये भी ऑन रोड टायर है जी, आप ऑन रोड ऑफ रोड टायर है, ये भी ओरिजिनल MRF के टायर ही है ओके। हाँ जी हाँ जी, तो टायर आप ऑलमोस्ट जो सामान यूज कर रहे हो वो ओरिजिनल ही रखते हो? कुछ ओरिजिनल, हाँ जी, ठीक है सर। इसमें इंजन कौन सा है? इसके अंदर महिंद्रा बोलेरो टर्बो का, आप दिखा सकते हो। इसको खोलना भी बड़ा इजी रहता है, मतलब दूसरी गाड़ी जैसे नहीं, बाहर से ही खुलता है, आप इसका इंजन देख सकते हो। तो महिंद्रा बोलेरो टर्बो का इंजन है जी, और साइड की बैटरी की फिटिंग हुई है सर। जो ये इंजन रहते हैं बोलेरो का जैसे, उसका भी आपने क्लियर कर दिया, इसका भी कर दो कि अगर इसे इंजन यूज होते हैं? हाँ जी, यूज इंजन होते हैं, हम इसको ओवरऑल करके इंजन की फिटिंग करते हैं। तो इसकी सर इंजन की गारंटी वगैरह भी रहती है? गारंटी हो जाती है, जब इंजन ओवरऑल हो जाता है तो उसको मान लो भी बढ़िया न्यू कंडीशन का इंजन मार जाता है ओके, कोई सीन वैसा नहीं रहता है? नहीं बिल्कुल भी। तो ये आप देख सकते हैं इसका आगे से लुक जो है सर, इसकी एंग्री बर्ड लगी हुई है इसके आगे, जो ग्रिल्ला है एंग्री बर्ड ग्रिल के साथ फिटिंग की है, उसके अंदर जो लाइट है LED प्रोजेक्टर लाइट जिसको हम बोलते हैं उसकी वो लगाई हुई है, ठीक है। इसमें सर ने बड़ी लाइट्स भी लगाई हुई हैं, ऊपर आप देख रहे हो बम्पर के ऊपर दो बड़ी लाइट और बम्पर के नीचे चार छोटी छोटी LED लाइट की हुई है, मतलब ये देख सकते हो इसकी लुक चेंज कर दी है सर ने। इसको साइलेंसर्स भी लगाए हुए हैं साइड पे, वैसे वो शो वाले हैं ना, ठीक है। आप सर इसको थोड़ा सा बंद कर दो। तो इसको सर ने साइड में शीशे भी दिए हैं, ये मिरर है ना सर? हाँ जी मिरर, ये पहले पहले बहुत ट्रेंड में थे, अभी भी चल रहे हैं। तो ओके, इसके इंडिकेटर्स भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके सर ने साइड में लाइट भी दी है, हाँ जी लाइट। तो आप देख सकते हैं अंदर में जो इसका मेन चीज है, इसको सर ने AC, सर आपने इसको AC किया? इसको AC के साथ फिटिंग की है, आप देख सकते हैं सर ने AC भी लगाया हुआ है इसमें, ये सारा का सारा AC लगा हुआ है, प्रॉपर सेटअप है। तो और इसका सर इसकी सीट्स भी चेंज लग रही है मेरे को, इसके अंदर हमने इनोवा गाड़ी की सीट फिटिंग की है, ये एडजस्टेबल होती है, ठीक है, पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। तो सर जो AC लगाया है वो नॉर्मली उसमें हीट भी रहती है कि अकेला AC? नहीं, ओनली AC रहते हैं, ओनली AC रहता है। तो ये प्रॉपर अंदर कूलिंग कर देता है? पूरी कूलिंग रहती है जी, इसके आगे डोर की हमने अभी फिटिंग करनी है, वो रेडी पड़ी है। ओके, ठीक है। तो ये आप इसका कलर थोड़ा देख सकते हैं साइड में, सर इसको व्हाइट लुक दी है थोड़ी सी, तीन सीट के साथ देखें तो तीन कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, ब्लैक जो इसकी एक्सेसरी है, व्हाइट और जो सीट आप देख रहे हो कैमल के साथ हमें इसको रेडी आ रही है, ठीक है, ठीक है। तो पीछे आ सकते हैं, इसमें सर ने अंदर एक ये डिफरेंस चीज भी दी है जो आप लोग देख सकते हैं, प्रॉपर एंगल एक सर ने दिया है जो कि ओपन रहता है, अगर आप कपड़ा उतार दोगे तो ये अच्छा लुक देता है ना, ठीक है। तो ये पीछे से आप लुक देख सकते हैं इसकी, तो इसमें भी जेरी कैन दिया है, एंटीना लगा है, और टायर भी सर ने एक एक्स्ट्रा भी स्टपनी दिया है इसमें, इसमें भी स्टपनी दी, और लाइट है जो इसकी बोलेरो लाइट के साथ, ओके बोलेरो लाइट लगाई है इसको, ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी भी काफी अच्छी लुक है, इसको लोग चौड़े टायरों में ज्यादा भी देखते हैं, लेकिन ये आप जो एक मेन चीज और बताना चाहता हूँ, जो डब वाली है ना ये सारे इंडिया में एक्सपोर्ट करता है, हाँ सारी, क्योंकि ये मेन हब थी, क्योंकि मैं भी छोटा था तब, आई थिंक मैं यहाँ पे आया था, मेरा एक दोस्त है जय हुंदल, उसके साथ हम लोग एक विल्ली लेने आए थे यहाँ पे, तब आए थे कोई आज से 10 साल पहले की बात है, तो तब यहीं पे ज्यादा विल्लीज बनती थी, तो यहाँ से ही सप्लाई करते थे सर लोग, आप कहीं से भी ऑर्डर करोगे तो आपको वहाँ की ट्रांसपोर्ट करके वहाँ पहुँचा भी देते हैं, हाँ, तो उसकी वीडियो भी आपको अभी बताते हैं वो कैसे देते हैं। तो सर जो ये वाली विल्ली है,
इसको विल्ली बोल देते हैं वैसे। हाँ, तो सर इसका क्या सीन है, इसको इसमें कितना टाइम लगता है इसको? इसको भी मान के चलो जी 1 मंथ का टाइम लगता है, 1 महीने का 30 डेज ले लेते हो। बाकी मार्च के बाद तो मान के चलो कि 1 मंथ का टाइम ही चालू हो जाता है। साल में थोड़ा सा, सर्दियों में थोड़ा सा मौसम का कलर का थोड़ा सा रहता है। हाँ, ये भी रहता है कि कब बारिश हो रही है तो उसमें कलर अच्छे नहीं होते, फिर ये नहीं काम करते हैं। तो सर इसकी क्या कॉस्ट है, इसकी क्या चार्ज करते हो आप? कॉस्ट मान के चलो जी इसका आप रेट तो वैसे ही 3.5 से, आप पहले भी बताया कि 3.5 से स्टार्ट हो जाते हैं। हो जाते हैं, हाँ जी। कोई एसी लेता है, कोई 4x4 लेता है, उसी तरह गाड़ी का रेट बढ़ते जाए बढ़ता जाता है। इसका क्या वैसे आपने रखा है रेट? इसका रेट रखा जी हमने 4,10,000 के अंदर, हमने 4,10,000। और सर एक चीज और मेरे को क्लियर कर दो कि सारी गाड़ियों का पेपर भी देते हो बना के? हाँ, पेपर RC NOC वो पूरा सब कुछ आप साथ में ही देते हो? जो भी लोकल RTO होता है उसके NOC का पेपर हम क्लियर करते हैं। आप जो वैसे जो नंबर लगाते हो वो लोकल डब्बे वाली का लगता है या कहाँ? नंबर PV नंबर रहता है, पंजाब का नंबर रहता है। ठीक है, तो कोई भी रहता है, कोई सीन नहीं है। हाँ, बाकी कस्टमर कहीं से भी हो, गुजरात है, महाराष्ट्र, केरला, कहीं से भी हो, उसको पेपर उसका क्लियर करके हम देंगे। तो ये आपने देखी सारी की सारी विलीज, आपको लुक भी सर देख सकते हैं, वो एक डिफरेंस, ये थोड़ा डिफरेंस आ गया, ज्यादा आ गया, और ये टोटली चेंज है। तो हम लोग अभी आपको सारी की सारी सर की वर्कशॉप भी दिखाते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे वीडियो क्यों नहीं बनाई, वहाँ पे काफी क्राउड था, आप लोग बोलते थे कि सुनती नहीं है, नॉइस प्रॉब्लम आ रही, इसलिए हम लोग थोड़ी ओपन जगह में आ गए। तो आपने स्टार्टिंग में आते वक्त भी देखा होगा, मार्केट दिखाया था थोड़ा सा, और ये गाड़ी चलते हुए भी आपको दिखाया था। तो अभी मैं प्रॉपर आपको वर्कशॉप दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपको पूरी डिटेल देंगे कि ये विलीज आप कैसे बुक कर सकते हैं, क्या इजी वे और कैसे है। ठीक है, बाकी इसके अंदर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जो जैसे इसको हम पूरा क्लोज कर दिए इस गाड़ी को, अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो ये गाड़ी पूरा ओपन भी हो जाती है। ठीक है, आप इसको उतार सकते हो, आप खुद उतार सकते हो, आप खुद इसको पूरा क्लोज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। अब आप लोगों को वर्कशॉप दिखाते हैं, यहाँ पे काम करते हैं सर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनका वर्कशॉप है, यहाँ पे पुरानी सर ये ऐसे रेडी हो रही है अभी ये तो। हाँ जी, इसका डेंटिंग का काम चल रही थी गाड़ी का, अभी डेंटिंग का चल रहा है, काम चल रहा है इनकी वर्कशॉप है यहाँ पे। ये लोग डेंटिंग पेंटिंग सारा कुछ करते हैं, तो क्योंकि इसको बाद में वो गाड़ी तैयार होती है जैसी आपने देखी है, तो पेंट भी ये यहीं सारा, पेंट पुंट भी यहीं चलता है। हाँ जी सर, हमारा पेंट का काम है, गाड़ी पेंट हो रही है। ये आप देख सकते हैं ये पेंट भी यहीं करते हैं इसको। इसको कलर जो करना है रेड कलर का गाड़ी ये बनेगा, और ये गाड़ी जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जाना है? हाँ जी, ये हमारा सबसे पुराना मॉडल है। इसको हम वैसे तो ब्लैक कलर का गाड़ी बनाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट गाड़ी है जो ग्रीन कलर के साथ ये रेडी होगी, वही मॉडल है। हमारे यूट्यूब पे भी आप देखते होंगे कि ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन के साथ जो हम गाड़ी रेडी करते हैं, वो पंजाब में बहुत ही फेमस मॉडल है हमारा। तो ये जो गाड़ी है ये ग्रीन कलर का जो आर्मी में है, तो वो ये गाड़ी MP में जाएगी, उज्जैन में। तो ये गाड़ी उन्होंने अपना ग्रीन कलर के साथ रेडी करवाया है। ये जो हमारे पेंटर है जी मेन, तो जैसे कि आपने सबने देखा सर की वर्कशॉप भी आप लोगों ने देखी कि वहां पे इनका काम चलता है। वैसे तो डबमली में काफी फेमस है विलियर के लिए, जैसे बताया था, तो आपकी काफी टाइम की डिमांड भी थी, इस पे हम लोगों ने इस बार वीडियो बनाई है। तो थोड़ा सेपरेट जाके बनाई थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी नॉइस रहती है, तो आपको आवाज अच्छे से नहीं आती है। तो आपने रस्ते में भी देखा होगा काफी हम लोग चला के लेके गया, मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। काफी टाइम बाद मैंने सर चलाई है, तो क्योंकि अभी इसको कार चलाते हैं तो मौका नहीं मिलता, लेकिन इसका जो ड्राइव है वो बिल्कुल ही अलग है, एक अलग ही मजा है उसमें भी सर चलाने। मैंने आज वो काफी चिर बार चीज को एंजॉय किया। तो जो मेन चीज है आप लोगों को बताने वाली सर, हमें सबसे पहले तो ये बता दो कि इतनी दूर दूर से आपने ऑर्डर लिए हैं, तो अगर किसी ने ये वीडियो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर किसी ने करना हो, तो आप कैसे ऑर्डर लेते हो, क्या सिस्टम है आपका? जी जो ऑर्डर आता है जी सभी ऑनलाइन ऑर्डर आता है। ओके, पहले जैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी है कुलविंदर मोटर, तो उसको देख के मान लो भी ऑल इंडिया से हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो अगर किसी ने बुक करवानी है दिल्ली, तो आप कैसे करवा सकते हैं वो बुकिंग के लिए? जी जो भी मान लो कस्टमर की चॉइस होती है, कोई बड़े टायर के अंदर चाहिए या छोटे टायर के अंदर चाहिए, उसी हिसाब से हम व्हाट्सएप पे कस्टमर को फोटो भेज देते हैं गाड़ी की, अलग अलग मॉडलों की। ठीक है, तो उसके बाद जो मॉडल बनाना होता है उसी का मान लो पहले बुकिंग हो जाती है, पहले 50,000 हम बुकिंग लेते हैं। आप एडवांस में 50,000 लेते हैं? हाँ, एडवांस में 50,000 लेते हैं, और फिर उसका काम स्टार्ट हो जाता है, और आप रेट देते रहते हैं गाड़ी। तो जो आप मान लो किसी ने आज आपको 50,000 डाल दिए, तो आप उसको कितने दिन बाद गाड़ी देते हो? उसको बस 1 मंथ का टाइम तो लेते हैं जी, 40 डेज। आपको पहले बताया कि 40
इसके अंदर हम गाड़ी रेडी करके दे देते हैं। ठीक है, तो आप उसको दे सकते हैं गाड़ी। आपको 50,000 अगर देंगे तो आप अपना काम शुरू करवा सकते हैं। सर के चैनल भी हैं, वहाँ पे आप और गाड़ियों की वीडियोस भी देख सकते हैं, और सर आपको व्हाट्सएप पे भी फोटो सेंड कर देते हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी गाड़ी आपको बनवानी है ना। तो सर कुछ स्पेशल गाड़ी भी आप बनाते हो? हाँ, स्पेशल गाड़ी बनती है हमारे पास बहुत। जैसे किसी को फोटो दिखाते हैं कि मेरे को ये वाली बिल्ली चाहिए, तो जैसे ओरिजिनल बिल्ली से हो गया, बड़े मॉन्स्टर टायर के साथ होगी, मान लो थार के अंदर होगी। जैसे थार भी हम रेडी करते हैं, लेकिन थार एक साल के अंदर हम सिर्फ 4-5 ही ऑर्डर पकड़ते हैं, ज्यादा नहीं करते। हाँ, ज्यादा नहीं करते, ज्यादा बिल्ली का ही करते हैं, ज्यादा बिल्ली का ही काम हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो सर एक बात और क्लियर कर दो कि जैसे कि ये बिल्ली थी, ठीक है, इसके आप पेपर वर्क वगैरह सारा कुछ करवा के देते हो? हाँ जी, पेपर वर्क पूरा कंप्लीट होता है, आरसी एनओसी के साथ हम पूरा गाड़ी। ठीक है, तो सर एक बात और बताओ, जो इतनी दूर आप गाड़ी देते हो तो उसको आप कैसे करते हो, आप शिफ्ट करते हो यहाँ से, क्या करते हो? हाँ, शिफ्ट करते हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। ठीक है, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस रहते हैं? हाँ, वो एक्स्ट्रा चार्ज रहता है, कस्टमर का, वो कस्टमर अपने आप दे देते हैं। अगर मान लो किसी ने केरला गाड़ी किसी को चाहिए तो कितना टाइम लगता है यहाँ से गाड़ी वहाँ जाने में? जहाँ से जब हम गाड़ी लोडिंग कर देते हैं तो उसके बाद मान लो एक हफ्ते के अंदर गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। ठीक है, आप लोगों का ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया। तो सर और जो है कि आपका जो वर्कशॉप है कितने बजे खुलती है और कितने बजे क्लोज होती है? सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक रहती है। संडे भी आप अवेलेबल रहते हैं? संडे को भी रहते हैं, क्योंकि जो नज़दीक की हमारे नज़दीक है ना, पंजाब का रहने का, राजस्थान का, वो आते हैं, वो आते रहते हैं। ठीक है, तो सर जो इंजन की भी बात आप थोड़ी सी कर लें, जो इंजन रहते हैं DI हो गया, 3C हो गया, 2C हो गया, वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है रेट का, ज्यादा तो नहीं रहता? नहीं, 5-8 पड़ जाता है, काफी पड़ जाता है। कितना भी पड़ जाता है सर? मान के चलो आपको अभी 50-60 हज़ार रुपये का फर्क है 3C इंजन के। अच्छा, तो DI रखें तो वो सस्ता रहता है? हाँ, वो सस्ता है, वो सस्ता रहता है। ठीक है, तो सर वैसे ज्यादातर सर्विस हम जो दे रहे हैं महिंद्रा ब्लेंडर्गो के इंजन के साथ ही दे रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पार्ट सब कुछ ही तो वो अवेलेबल होता है हर जगह महिंद्रा का। हाँ, टोयोटा का थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बाद में कस्टमर। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया, ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर होगा सर। और एक आप अपना एड्रेस बता दो, ये कहाँ पे है? हाँ जी, ये जो हमारा एड्रेस है मंडी डबो वाली डिस्ट्रिक्ट सिरसा हरियाणा, यानी कि दिल्ली से जो 300 किलोमीटर है और बठिंडा से 40 किलोमीटर है। तो मंडी डबो वाली कोई भी कस्टमर अगर जहाँ हमारे वर्कशॉप में आके विजिट करना चाहता है तो आप इधर आके ऑर्डर कर सकते हो, अगर ऑनलाइन करना है तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर। सर ऑनलाइन करने के लिए आप अपना नंबर बोल के भी बता दो, वैसे तो मैं नीचे शो भी कर रहा हूँ। हाँ जी, ऑर्डर करने के लिए आपको नंबर दे दिया गया 9781265812, आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, आप यहाँ पे सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सर को, सर ने आपको नंबर भी दे दिया कि आप वहाँ से कॉल कर सकते हो, वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाला है। और मेन चीज़ है सर का खुद का यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे अपलोड करते रहते हैं वीडियोस, तो ये सर का चैनल है। और सर फेसबुक पे भी अवेलेबल है और इंस्टाग्राम पे भी सर अवेलेबल है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं और इनकी अपडेट्स देख सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और बाकी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी चाहिए तो आप सर को कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं dayal_karan के नाम के ऊपर। किसी भी इंक्वायरीज के लिए, किसी भी कलेबोरेशन के लिए आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर। और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। और मेन बात बताना चाहता हूं, मेरे ट्रैवल वीडियोस भी चलते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, तो वो भी देख सकते हैं, जैसे कि बाहर के ट्रिप्स होते हैं उसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है। और थैंक यू सो मच सर।